नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 3 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में कराया भर्ती। मंदिर में गिरफ्तारी के समय मुर्तजा का हाथ हुआ था फ्रैक्चर। दर्द होने पर पुलिस ने जेल से अस्पताल में करवाया भर्ती। फ्रैक्चर हाथ का होगा ऑपरेशन। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। भू माफियाओं, खनन व शराब माफियाओं के ऊपर कड़ी कार्यवाही करने के लिए दिए निर्देश। गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा में एक दुकान के एसी के आउटर यूनिट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पूरे बलदेव प्लाजा में धुआं भर जाने से अफरा तफरी का हुआ माहौल। आग पर पाया गया काबू। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा, नहीं हुआ कोई जान माल का नुकसान। विधानसभा चुनाव व एमएलसी चुनाव में थानों और शस्त्र के दुकानों पर जमा शस्त्रों को अवमुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने दिया निर्देश। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। जगन्नाथपुर स्थित दुर्गा मंदिर पार्क में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल। कहा, अधिकतर मामले विद्युत, सड़क निर्माण, साफ सफाई से आए। संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया है निर्देश। सड़सठवें रेल सप्ताह समारोह के अवसर पर आयोजित हुआ रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने कहा, समर्पित एवं निष्ठावान रेल कर्मियों को पुरस्कृत कर किया गया सम्मानित। शासन ने हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता 2 वर्ष से बढ़ाकर किया 3 वर्ष। जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से किया लागू। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिले के इंटर कॉलेज के गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के अध्यापकों के साथ की बैठक। विद्यालय की शिक्षा गुणवत्ता पर निगरानी करने के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय टीम। कहा, विद्यालय की पढ़ाई की जांच करेगी टीम। लापरवाही बरतने वाले अध्यापकों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। और सामाजिक न्याय पखवाड़ा पोषण अभियान के अंतर्गत भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार और फल वितरण करके किया सम्मानित, ताकि महिलाएं, युवतियां और गर्भ में पल रहे बच्चे सभी रहें स्वस्थ। अब खबरें विस्तार से। गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी का जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को मुर्तजा ने शाम 8 बजे के करीब गोरखनाथ मंदिर के गेट पर लगे सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया था, जिसको देखते हुए मंदिर सुरक्षा में लगे पीएसी व पुलिस ने नागरिकों के सहयोग से मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद पुलिस व एटीएस ने उससे काफी पूछताछ की, जिसमें कई अहम बातें सामने निकल कर आईं। उसके बाद मामले की जांच के लिए शासन ने मुर्तजा को यूपी एटीएस व एसटीएफ को सौंप दिया था। 5 दिनों की पूछताछ के बाद 11 अप्रैल को मुर्तजा के रिमांड खत्म होने से पहले एटीएस ने कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखपुर न्यायालय में उसको पेश कर दिया, जिसके बाद न्यायालय ने मुर्तजा अब्बासी की 5 दिनों का रिमांड बढ़ा दिया। उसके बाद 16 तारीख तक एटीएस ने पूछताछ की और 16 अप्रैल को न्यायालय में पेश कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं सरकार ने मुर्तजा के ऊपर यूएपीए की धारा लगाया है और मामले की जाँच एनआईए को सौंपा है, जिससे मामले की जांच एनआईए कर रही है। मंगलवार को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में मुर्तजा को भर्ती करवाया, क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा था। जहां पर उसके हाथों की जांच की गई, अगर रिपोर्ट में सब कुछ ठीक रहा तो 1-2 दिन के अंदर मुर्तजा के हाथ का ऑपरेशन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के मुर्तजा अब्बासी का इलाज करने वाले डॉक्टर राजेश कुमार एवं डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा, बस यही चल रहा है।
मुर्तजा का जो हाथ फ्रैक्चर हुआ है उसका ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन के पूर्व जो शारीरिक परीक्षण होता है उसको किया गया है। फिलहाल सब कुछ सामान्य मिला है और ब्लड का रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट यदि संतोषजनक रहेगा तो उनका ऑपरेशन कर दिया। अभी तक जो स्थिति क्या पाई गई है? सामान्य है। कल ऑपरेशन होगा, कल मॉर्निंग में ऑपरेशन का प्लान कर रहे हैं। अगर सब कुछ संतोषजनक रहा तो कल होगा। इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि प्रशासनिक व राजस्व की टीम के साथ बैठक की गई है। इसमें भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही, खनन व शराब माफिया के खिलाफ कार्यवाही, सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को खाली करवाने को लेकर कार्यवाही और कोटे के वितरण के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है, जिससे कि नागरिकों को समय से खाद्यान्न वितरण हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को बढ़ावा मिलेगा व सम्मानित किया जाएगा, और जो भी अधिकारी कार्यों में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम सहजनवा सुरेश राय, एसडीएम खजनी पवन कुमार, तहसीलदार गोला सुनीता गुप्ता, तहसीलदार कैंपियरगंज नीलम तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, ऐसे क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा पर्सनल नंबर सबसे अलग बात है, हर ग्रुप में लगाओ। उस पर आया नहीं, नीचे आ गया एसडीएम मालूम पड़ेगा, मैं सॉरी अफवाज का, तो मैं उसको अपने कंट्रोल रूम में डाल दूंगा, सचिव से कनेक्ट कर दूंगा कि ये तुझे करना है, डेली मुझे व्हाट्सएप आना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट बहुत करते हैं ना। अब मेरा इंटरेक्शन देखो, सुबह जूम मीटिंग होती है, रात को जूम मीटिंग होती है लगातार, अभी मैंने एक घंटा सबको मैसेज करके आया, हर ब्लॉक के ग्रुप में मेरा नंबर जुड़ा हुआ है, और वो सीधा आपके ब्लॉक में पहुंच जाएगा, सचिव से कनेक्ट हो जाएगा, रोजगार सेवक से कनेक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट वहां से बनना शुरू हो जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट डेली मेरे पास आएगी। आगे ग्रुप में जो मुझे 25 ग्रुप में चलाना पूरे सीडीओ ऑफिस में, 25 से ऊपर ज्यादा ग्रुप है मेरे पास। आपने कर सकते तहसीलदार अपने शहरों से कॉल करा दीजिए, आपने शहरों को बोलिए, सचिव को बोलो कल वहाँ पैमाइश आप पहुंचे, और अगर सचिव नहीं पहुंचता है तो आपका एक व्हाट्सएप आना चाहिए, सर ये नाम था, ये सचिव मेरी पैमाइश पे नहीं पहुंचे, बस इतना चाहिए। उसे पूछना कि पिछले साल के बजट में कितना मटेरियल तुमने खर्च किया, हमें 40 करोड़ खर्च करना था, 25 करते करते सबकी अमर गई, 47 की रेशो क्या रहेगी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी ना होने के कारण ऐसा होता है। 24 गांव दे देने हैं, ब्लॉक पर दे दोगे, उन वीडियोस की मैं ड्यूटी लगा दूंगा, उन सचिव की मैं ड्यूटी लगा दूंगा कि आप वहां रहेंगे, इसमें से बनेंगे प्रोजेक्ट खाली करेंगे वहां पे, और साथ ही साथ कराइए एकदम बढ़िया बनाइए, और अभी जो बन जाएंगे वो परमानेंट हो जाएंगे, नहीं तो विरोध कर दिया जाएंगे, उस पर अटेंडेंस होनी है, कंपलसरी किया था उसके, और अपने आप बैंकर्स को मिलते हैं तो उसको बता दिए मनरेगा में आधार से लिंक जरूरी है, कंपलसरी है, 86% आधार जो है पिछले एक जल्दी करवा दो उसको रखने के लिए, फैमिली और बच्चे यहाँ हैं तो वो रहते हैं यहाँ पे, लेकिन आप वहाँ रहने का कल से और ये बहुत सख्ती से आपको पालन करना है, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत अपने अपने क्षेत्र में रहिए, 4 तक कोई घटना कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला यहाँ नहीं आना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे अक्षय तृतीया में तो कोई आयोजन होता नहीं है, वो तो अगर कोई जुलूस का आयोजन हो रहा है, पारंपरिक कुछ हो रहा है तो बताएं, जहाँ जहाँ अभी सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है आपको पता है, वो आपने देखा तो यहाँ पे कोई घटना नहीं होनी चाहिए, सबके साथ लगातार बातचीत प्रवर्तन सख्ती से निपटना वो करना है, कोई नई परंपरा शुरू नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, किसी भी कोई नई
बात नहीं होनी चाहिए, इसका कड़ाई से पालन करिए। किसी लाउडस्पीकर अथवा किसी और परंपरा के वजह से कोई और समुदाय डिस्टर्ब ना हो, और उसमें निष्पक्षता से स्वतंत्रता से काम करना है, कड़ाई से काम करना है। अभी चौपाल लगाई गई थी, उसके पश्चात सभी राजस्व टीम के साथ बैठक की गई है निर्धारित एजेंडा बिंदु में, जिसमें भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है, खनन और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है, अब भू और ज़मीन अतिक्रमण के संबंध में कार्रवाई के संबंध में समीक्षा की गई है, कोटे के वितरण के बारे में और उसमें अनुश्रवण के बारे में, ताकि लोगों को खाद्यान्न खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो उनका अधिकार है वो प्राप्त हो सके, विभिन्न बिंदुओं में समीक्षा की गई है और उसका अनुश्रवण लगातार चलता रहेगा और अच्छा कार्य करने वालों को बढ़ावा मिलेगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा और जो शिथिलता या अनियमितता बरतते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा में सिद्धार्थ कम्युनिकेशन के एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और पूरे बलदेव प्लाजा में धुआं भर जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया और दुकानदार और ग्राहक बाहर निकल गए। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर विभाग की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिसके संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक दुकान में आग लग गई है, इसको देखते हुए फायर विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर वहां काबू पा लिया। वहीं जब आग बुझाने का प्रयास किया गया तो पता चला कि दुकान में लगे एसी के आउटर यूनिट में आग लगी थी, जिसमें फायर विभाग की गाड़ियों ने आग को बुझाया। आग लगने से किसी अगल बगल दुकानों में जान माल का नुकसान नहीं हुआ और पूरे बलदेव प्लाजा की बिल्डिंग धुएं से भर गई। वहीं सिद्धार्थ कम्युनिकेशन के मालिक शिवकांत श्रीवास्तव ने बताया कि फायर विभाग की गाड़ियों के आने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया था, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिद्धार्थ कम्युनिकेशन के मालिक शिवाकांत श्रीवास्तव एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह ने कहा। कहाँ पे आग लगी है? किसी भी दुकान शिवाकांत श्रीवास्तव, ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, एसी ऑन किया गया है उसी समय शॉर्ट सर्किट हो गया है, बाकी सब दुकानदार भाई लोग मिलकर उसको बुझा दिए हैं, अपने पास था फायर वाला तो सब कुछ कंट्रोल हो गया, कोई चीज़ कोई नुकसान नहीं हुआ है। फायर की गाड़ी भी आई है? फायर की गाड़ी आ गई थी लेकिन उसके पहले बुझ गया था। मेरी ही है, कोई नहीं, कुछ नहीं, बस आउटर ही गया है बस। बलदेव प्लाजा में सिद्धार्थ कम्युनिकेशन का जो एसी है उसके बाहर रखा हुआ था आउटडोर, उसमें आग की सूचना मिली थी। फायर सर्विस की दो गाड़ियां मौके पर प्रस्थान हुई और साथ में मैं भी स्वयं पहुंचा, ब्रीदिंग ऑपरेटर्स लेके धुआं वहाँ भर गया था और हमारे एक जवान वहाँ पे पहले से मार्केटिंग कर रहा था, वो भी पहले से पहुंच गया था, तो वहाँ पे लगे जो फायर एक्सटिंग्विशर थे उनको चला के ऑपरेट करके हम लोग उसको त्वरित कार्रवाई हुई बहुत फास्ट। वहाँ के एक स्टाफ पहले से मौजूद था मार्केट में तो उसके द्वारा भी बहुत अच्छी कार्रवाई की गई और शीघ्र उसको तुरंत वहीं पर बढ़ने से रोक दिया गया और आग पूर्ण उसे बुझा दिया गया। कोई आसपास की और किसी दुकान के अंदर आग नहीं फैल पाई थी और पूरा
दुकान जितनी उसमें बल्देव प्लाजा सब कुछ सुरक्षित, और धुआं भर जाने से थोड़ा सा अफरा तफरी था, लेकिन सबको भी बाहर कर लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई, कोई खास नुकसान भी नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव व एमएलसी चुनाव में जमा शस्त्रों को अमुक्त करने के लिए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने आदेश जारी किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए शस्त्र को जमा कराने के लिए निर्देश जारी किया गया था, जिसको देखते हुए मतगणना समाप्त होने की घोषणा के बाद निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो गई, लेकिन प्रभावी आदर्श आचार संहिता प्रदेश के जनपदों में तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी हो गई, जिसको देखते हुए गोरखपुर जिले में निर्गत शस्त्र लाइसेंसियों द्वारा जो अपना शस्त्र विभिन्न थानों व शस्त्र विक्रेताओं के वहां जमा करवाया गया था, उन सभी शस्त्रों को थानाध्यक्षों एवं शस्त्र विक्रेताओं के वहां से शस्त्र को अवमुक्त कराने अनुमति प्रदान की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आचार संहिता विधानसभा चुनाव के आचार संहिता के दृष्टिगत और उसके पास विधान परिषद के चुनाव के दृष्टिगत आचार संहिता में सभी शस्त्रों को जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। आचार संहिता समाप्त होने के बाद शस्त्रों को वापस दे ले जाने के लिए थानाध्यक्षों को संबंधित को निर्देशित किया गया, उसका अनुश्रवण किया जा रहा है, पारदर्शितापूर्वक पूरी व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मंगलवार को जगन्नाथपुर स्थित दुर्गा मंदिर पार्क में चौपाल लगाया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी मोहल्लों में चौपाल लगाया जा रहा है, जिससे नागरिकों की अलग अलग तरह की समस्या सामने आई है, जिसके लिए निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि चौपाल में अधिकतर मामले विद्युत, साफ सफाई, सड़क निर्माण से संबंधित मामले आए, जिसके लिए टीम बनाकर मामले का निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त आरवी सिंह, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, कर्नल सीपी सिंह, पार्षद अमरनाथ यादव, आनंद वर्धन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, कब तक पूरे हो जाएंगे? नहीं, वो कच्ची है, दो अभी लेना है। अभी तक तो देखिए इस साल की योजना का तो अभी तक देख के टेंडर एंडर सब भी रखना है ना। अभी जब पैसा आएगा तब टेंडर शुरू करेंगे, तब तक इलेक्शन आएगा, उसको तुरंत टेंडर दे दें। इससे तो आगे आती है, तंत्र आपको बातें करना है ना। अभी इसको दो कोई गली कच्ची नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये करा दीजिए, दो गलियाँ इसके कार्य में होता है, और मैं इसका फल देखूंगा कि हुआ है। सर यहाँ पे जो है एक नाला, एक ही नाला है, ये पुरानी गोरखपुर आबादी का है, अंग्रेजों के समय का वो नाला बना हुआ है, और वहाँ पे जो मेयर साहब का थे बीजापुर, वहाँ से लेके दाऊदपुर वो नाला जाता है। तो हम लोग यही चाह रहे थे कि जैसे मेडिकल रोड का नाला बना, उस तरह का प्रोजेक्ट आ जाता है। तो ये पुराने शहर का जो मेन शहर गोरखपुर का है, ये जल जमा इसका अंतिम निकासी ये दाऊदपुर, जहाँ पर एसीपी और प्लांट लगा, एसीपी वहीं पर। असल ये पूरे शहर का सब जो मेन वही है, एक ही नाला है। इंक्रोचमेंट होगा बहुत ज़्यादा, कितना छोटा नाला है? चौड़ा है सर, कम से कम कहीं कहीं 10 मीटर, नहीं भैया 10 मीटर पूरी नाले की लंबाई, लेकिन कब्जा होते होते मकान सर नाले के ऊपर इतनी मकान बन गया सर कि हम लोग चार रुपये वहाँ पर सर मजिस्ट्रे की डेट हो जाती है, उसको देख लेते सब लोग अपने आप धीरे धीरे ऊपर काम होते नाला कहाँ पर क्या यहाँ के इतने वार्ड में लग जाते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में नगर निगम और पुलिस की टीम, संयुक्त टीम गठित की जा रही है, जो इस पूरे जल निकासी के लिए, इस मोहल्ले से जितने भी जल निकासी के लिए व्यवस्थाएं हैं, प्राकृतिक निकासी है, उसको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करेगी। ये कार्ययोजना और पूरा फोटोग्राफ के साथ स्पष्ट कार्ययोजना चाहिए, तो राजस्व टीम को इसमें लीड लेनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, ठीक सर, ठीक है। इस मोहल्ले पर सर 3 टाइम की वाटर सप्लाई है, सुबह दोपहर शाम के, और फिलहाल तो कोई से शिकायत हमारे हर जी मौके पर आप देख रहे हैं और सरकार का नाम तरफ पड़ा हुआ है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर दिया गया, पूरे रोड पे है सर, हमारे सांसद भाई साहब है, ये उसी आदमी का फेवर करते हैं। बता रहा सर, बता रहा 2 मिनट सर, हमने उसको 4 टाइम
फिर भी देख लेंगे कुछ अभी रोड बनना है ना रोड बनना है इम्पोर्टेंट बात कोई भी गरीब आदमी जिसका पुराना जीवसी आवास है जिसके पास छोटी सी जगह है मानक उसका 30 स्क्वायर मीटर हर सवाल हर गांव हर गली हर मोहल्ले में जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके आप कैसे बेटर होंगे कैसे आपके लिए बेटर हम कर सके प्रशासन कर सके उसके लिए बिल्कुल सर समर्पित है। हम मैं राजस्व प्रेक्षक नगर प्रदेश हमारे साथ लेखपाल माने अनिल राय और नंबर चाहें तो नोट कर लें फिर आगे हम बात करेंगे आपसे। हमारा नंबर नोट करना 8896263541 लेखपाल साहब का नंबर 9454 76181 95 तहसीलदार साहब का नंबर नोट कर लें 9454 62 22। ये हम लोगों के नंबर 24/7 ऑपरेशन रहते हैं। मेरा नंबर भी उजरा बोल रहे मेरा नंबर परियोजना अधिकारी डूडा का भी आप लोग नोट कर लीजिए 8573002279। मैं रिपीट कर रहा हूँ 8573002279 जी। ये नंबर 24/7 ऑपरेशन करते हैं चालू रहते हैं। जरूरत है कि हम चैनलाइज हैं आप भी चैनलाइज हो सही शिकायतें दर्ज कराएं। ब्लेम गेम नहीं जनरली बहुत सारी सूचनाएं आती हैं साहब आपस में द्वेष कुछ और कर दिया उससे बचें और सही चीज़ों को समाज को सही दिशा में लाएं। हम आपके लिए तैयार हैं सर। हम बताना चाहेंगे पाल को पका दीजिए एस्टिमेट लगाइए आधार कार्ड लगा दीजिए और एक चीज सर्टिफिकेट आपकी तरफ से चाहिए कि आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी आप नहीं हैं। ये तीन चीजें हमें चाहिए। लेखपाल को रास्ता चलते पकड़ा दीजिए। ये थाने में दर्ज है क्या? मैंने गई कोतवाली में गई थी वो वहाँ पे भेजे हैं डीकेपी वाले में भेजे हैं फिर वहाँ पे भी ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं ले रहा तो मैं कहाँ पे जाऊँ। और मेरे कार्यालय से उसकी मॉनिटरिंग भी हो जाएगी और उसको हल करा देंगे। आप निश्चिंत रहिए इसी तरह लोग आपके प्रशासन आपके द्वार पहुँचता रहेगा और लगातार आपसे सामंजस्य से समन्वय से और व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी लेकिन सभी को मिलकर इस मोहल्ले को आदर्श मोहल्ला बनाना है। जी सर अभी पढ़ रही है और स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। हम करा देंगे आप अपनी स्थिति को तुरंत आप आइए सामने सामने से आइए आप लोग चुपचाप में बैठे प्लानिंग करें तभी एक एक करके सुनूंगा ना ये थोड़ा पीछे एक एक करके और बताइए आगे पीछे हो जाओ। आपका भी सर जो है घरेलू मामला है कैसे मैं हल करूंगा पारिवारिक मामला नहीं हल कर सारी बात सर ये सब सड़कों का है जो सड़कें जल रहे हैं ये बनना चाहिए। काम कर रही है हम लोगों को मकान भी नहीं बनवाने देने दे रही है और सड़क भी नहीं बनने दे रही है नगर निगम उसके बाद भी नहीं बनने दे रहे सब और इतनी दबंग गई है एक आदमी की ओर दबंग गई कर हाँ आज ये काजीपुर कुर्द मोहल्ले में चौपाल लगाए जा रहे हैं शासन के निर्देश क्रम में और जो भी समस्याएं आई हैं उसको सूचीबद्ध किया गया समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक उसको निस्तारण कराया जाएगा। सभी विभागों के संबंध में जो समस्याएं आई हैं चाहे विद्युत की हों या सफाई के बिंदु के हों या सड़क के निर्माण आदि उन सब में हम लोग लगातार प्रयास करेंगे और 100% संतृप्तकरण करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 3 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में कराया भर्ती। मंदिर में गिरफ्तारी के समय मुर्तजा का हाथ हुआ था फ्रैक्चर। दर्द होने पर पुलिस ने जेल से अस्पताल में करवाया भर्ती। फ्रैक्चर हाथ का होगा ऑपरेशन। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। भू माफियाओं, खनन व शराब माफियाओं के ऊपर कड़ी कार्यवाही करने के लिए दिए निर्देश। गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा में एक दुकान के एसी के आउटर यूनिट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पूरे बलदेव प्लाजा में धुआं भर जाने से अफरा तफरी का हुआ माहौल। आग पर पाया गया काबू। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा, नहीं हुआ कोई जान माल का नुकसान। विधानसभा चुनाव व एमएलसी चुनाव में थानों और शस्त्र के दुकानों पर जमा शस्त्रों को अवमुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने दिया निर्देश। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। जगन्नाथपुर स्थित दुर्गा मंदिर पार्क में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल। कहा, अधिकतर मामले विद्युत, सड़क निर्माण, साफ सफाई से आए। संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया है निर्देश। सड़सठवें रेल सप्ताह समारोह के अवसर पर आयोजित हुआ रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने कहा, समर्पित एवं निष्ठावान रेल कर्मियों को पुरस्कृत कर किया गया सम्मानित। शासन ने हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता 2 वर्ष से बढ़ाकर किया 3 वर्ष। जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से किया लागू। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिले के इंटर कॉलेज के गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के अध्यापकों के साथ की बैठक। विद्यालय की शिक्षा गुणवत्ता पर निगरानी करने के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय टीम। कहा, विद्यालय की पढ़ाई की जांच करेगी टीम। लापरवाही बरतने वाले अध्यापकों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। और सामाजिक न्याय पखवाड़ा पोषण अभियान के अंतर्गत भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार और फल वितरण करके किया सम्मानित, ताकि महिलाएं, युवतियां और गर्भ में पल रहे बच्चे सभी रहें स्वस्थ। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply.
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोल घर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 67वें रेल सप्ताह समारोह के अवसर पर 19 अप्रैल को रेलवे प्रेक्षागृह में आयोजित रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने विभिन्न विभागों के 100 रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र, मेडल एवं नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में ट्रैक मेंटेनर, टेक्नीशियन, स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, लिपिक, विभिन्न विभागों के निरीक्षक, विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों के सेक्शन इंजीनियर, चिकित्सा कर्मी तथा अधिकारी सम्मिलित हैं, जिनकी समर्पित एवं उत्कृष्ट सेवा से रेल की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, उत्पादकता बढ़ी है, रेल दुर्घटनाएं बचाई जा सकी हैं तथा तकनीकी सूझबूझ से आर्थिक स्वावलंबन में बढ़ोतरी हुई है। श्री शर्मा ने विभिन्न श्रेणियों में अंतरमंडलीय कार्यकुशलता शील्ड एवं ट्रॉफियां भी प्रदान की। अंतरमंडलीय सर्वांगीण कार्यकुशलता शील्ड लखनऊ मंडल को प्रदान की गई, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने बताया कि हमने अपने समर्पित एवं निष्ठावान रेल कर्मियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया है, जिनके प्रयासों एवं उत्कृष्ट कार्यों से रेलवे की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने रेल कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि निष्ठावान एवं समर्पित कार्यशैली वाले रेल कर्मियों की कमी नहीं है, लेकिन पुरस्कारों की संख्या सीमित होने के कारण सभी को एक साथ सम्मानित करना संभव नहीं है। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा भारतीय शर्मा, अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल, CPRO पंकज सिंह सहित उत्तर रेलवे के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने कहा, जिसके बोल ही मन को छू लेते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र पाचत पैजनिया। जी हाँ, दर्शाने की कोशिश की है तो प्रस्तुत है ठुमक चलत रामचंद्र पाचत। I'm not afraid.
सम्मानीय मुख्य अतिथि महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे श्री अनुपम शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन श्रीमती भारती शर्मा जी एवं मान्य सभी गणमान्य अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। आज इस नवनिर्मित प्रेक्षागृह के बेहद आकर्षक एवं खूबसूरत हॉल में 67वां वार्षिक रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। महाप्रबंधक स्तर पर मिलने वाला यह पुरस्कार रेलवे का एक प्रेस्टीजियस सम्मान है, पानी रखा है, जिसे प्राप्त करना बहुत ही गौरव की बात है। मेरी सबसे बड़ी हम लोगों में से जिन्हें भी यह सम्मान पूर्व में प्राप्त हुआ है, इनकी स्मृतियों को सहेज कर आज भी हम अपने ऑफिस अथवा ड्राइंग रूम में रखते हैं। आज यह सम्मान कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा 3 अलग अलग प्रारूपों में दिया जाएगा। पहला प्रारूप उन अवार्डीज के लिए है जिनको वर्ष 2021 में रेलवे बोर्ड स्तर से यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, परंतु कोविड के कारण उन्हें सम्मानित नहीं किया जा सका। सबसे पहले हम लोग उन्हें सम्मानित करेंगे। द्वितीय प्रारूप में वर्ष 2022 में जो 100 चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको हम लोग गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल, प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। तृतीय प्रारूप के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों, सबसे व्यवस्थित स्टेशन इत्यादि को शील्ड, प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। कोई विफलता नहीं हुई। कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे। श्री अनुप कुमार सिंह ने इज्जत नगर मंडल अपारी है 2021 में जिन लोगों को रेलवे बोर्ड से पुरस्कार नहीं मिला था, उन्हें महरे राम सिंह यातायात प्रेक्षक नियोजन लखनऊ। श्री हरे राम सिंह ने आमान परिवर्तन द्वारीकरण विद्युतीकरण एवं अन्य यातायात। देव पाठक, वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर लखनऊ। श्री सत्यदेव पाठक ने विभागीय संसाधनों का उपयोग। श्री प्रगत कुमार, वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक लखनऊ। श्री प्रगत कुमार ने अपनी कार्य योजना से डीजल लोको, डीजी सेट, मुख्य कार्यालय अधीक्षक टीएमसी, प्रमुख मुख्य इंजीनियर कार्यालय गोरखपुर। श्री मनोज कुमार मिश्रा टैग मशीनों से संबंधित रेल पथ गुर सहायगंज। श्री राजेंद्र सिंह ने चौबेपुर मंदना के मध्य एक दिन में 1507 मीटर ट्रैक की डीप स्क्रीनिंग एक मशीन द्वारा कराई। प्राण कर्मचारी हैं, इन्होंने खंड के सभी संपारों पर घंटी, बूम बत्ती, चक्रेल फार्मा, बूम लॉकिंग आदि के। श्री ब्रह्मानंद सहायक मंडल इंजीनियर लाइन लखनऊ जंक्शन। श्री ब्रह्मानंद ने अपने कार्य आयोजना से गोमती नगर किसानुल। श्री अरुण कुमार मिश्र ने लखनऊ मंडल में पहली बार घाघरा घाट स्टेशन पर T28 मशीन से 4 सेट ठंडा टाली जा सके। श्री सिंह की कार के प्रति सीनियर सेक्शन इंजीनियर पीवे वाराणसी। श्री सोनू यादव ने 10 अक्टूबर 2021 को रजवाड़ी कादीपुर डाउन लाइन की पेट्रोलिंग के दौरान एक वेल्ट। श्री निरंजन कुमार कांटावाला छपरा। श्री निरंजन कुमार बड़ी तत्परता एवं दक्षता से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। छपरा ग्रामीण माल गोदाम साइडिंग पर रेकों का सही समय से प्लेसमेंट एवं रिमूवल। गोमती नगर जहांगीराबाद स्टेशन पर 17 जनवरी 2022 को ड्यूटी पर कार्यरत श्री सुधीर। केंद्रीय यातायात लेखा अनुभाग में कार्यरत श्री ऋषि गुप्ता लैब सहायक वाशाहनगर। श्री ऋषि गुप्ता चिकित्सालय में उपलब्ध आधुनिक जांच। पुरस्कार जाता है बलिया रेलवे स्टेशन को। रनिंग रूम को स्वच्छता वाणिज्य कार्य कुशलताशील जाता है इज्जत नगर मंडल को। स्टेशन ट्रॉफी बस्ती रेलवे स्टेशन A1 एवं A श्रेणी स्टेशन के अंतर्गत।
अंतर मंडलीय संकेत एवं दूर संचार कार्य कुशलता शील्ड इज्जत नगर प्रकाशन वितरण शील्ड वाराणसी मंडल मंडली नागरिक केंद्रित सेवा दक्षता शील्ड इज्जत हैंडबॉल महिला उज्ज्वला जाधव कबड्डी और कुश्ती के लोग एक साथ आ जाए सारे लोग 67वें रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। इस अवसर पर हम अपने समर्पित एवं निष्ठावान रेल कर्मियों को पुरस्कृत कर सम्मानित करते हैं, जिनके प्रयासों एवं उत्कृष्ट कार्यों से रेलवे की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, उत्पादकता बढ़ी है तथा रेल संरक्षा के नए मानदंड स्थापित हुए हैं। इस पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कृत होने वाले सभी रेल कर्मियों को मेरी हार्दिक बधाई। रेलवे में निष्ठावान एवं समर्पित कार्यशैली वाले रेल कर्मियों की कमी नहीं है, लेकिन पुरस्कारों की संख्या सीमित होने के कारण सभी को इस एक साथ सम्मानित करना संभव नहीं है। प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल कर्मियों को सम्मानित किया जाता है। वर्ष 21-22 के आरंभ में वैश्विक महामारी कोविड का रेल संचालन पर भी प्रभाव पड़ा। इसके बाद भी यात्री एवं माल गाड़ियों का संचालन पूरी संरक्षा के साथ किया गया। कोविड संक्रमण से प्रभावित रेल कर्मियों के उपचार के लिए मुख्यालय एवं मंडलीय चिकित्सालयों में व्यापक प्रबंध किए गए। ललित नारायण मिश्र रेल चिकित्सालय गोरखपुर तथा वाराणसी लखनऊ एवं इज्जत नगर स्थित मंडलीय चिकित्सालय एवं उप मंडलीय चिकित्सालय गोंडा के ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए। परिस्थितियों के अनुकूल होने पर चरणबद्ध तरीके से एक्सप्रेस एवं सवारी गाड़ियों का संचालन तथा वातानुकूलित कोचों में लिनन एवं पर्दों का प्रावधान किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा हेतु गोमती नगर कामाख्या एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल ब्रह्मवर के मध्य दो जोड़ी मेमू गाड़ियों तथा मैलानी बिछिया के मध्य पर्यटक कोच युक्त सवारी गाड़ी का संचालन प्रारंभ किया गया है। 12,107-108 लोकमान्य तिलक टर्मिनस लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस का मार्ग विस्तार सीतापुर तक किया गया है। गोमती नगर स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश द्वार सहित टर्मिनल सुविधाओं एवं कोचिंग कॉम्प्लेक्स का भी कार्य पूरा किया गया है। आज हमारा पूर्वोत्तर रेलवे का 67वां रेलवे वीक फंक्शन था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह होता है जो कि वार्षिक समारोह है, और इसमें हम अपने जो अच्छे रेल कर्मी गण हैं जिन्होंने कि पूरे वर्ष में अच्छा कार्य किया है, सेफ्टी का कार्य किया है, परफॉर्मेंस का कार्य किया है, उनको हम अवार्ड देते हैं और उनको उनका कार्य की सराहना करते हैं। और जो हमारे सारे डिविजन्स हैं उनके भी हम आपस में एक स्पर्धा रखते हैं जिससे कि अच्छी तरह उनका कार्य हो, और तमाम उनकी जो कार्यों की जो शील्ड्स होती हैं वो हम उनकी DRMs को और उनकी टीम्स को देते हैं। साथ ही मुख्यालय में भी कुछ हम लोगों ने साफ़ सफाई के लिए और इस तरह के शील्ड रखे हैं वो हम कुछ डिपार्टमेंट्स को भी देते हैं। अच्छे ऑफिसर्स जिन्होंने कार्य अपना ऑफिसर्स अच्छे किए हैं उनको भी देते हैं। तो ये एक रेलवे की परंपरा है रही है, और 16 अप्रैल को हमारा रेलवे का दिवस है जिसमें कि 1853 में पहली रेल चली थी। तो हम लोग अप्रैल माह में इस कार्यक्रम को आयोजन करने की कोशिश करते हैं। मुझे खुशी है कि आज हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर पाए। पिछले 2 साल से कोविड के मारे हम लोग इसको नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग ने ये कार्य किया है, और जो हमारे रेल कर्मी हैं उन सबको हमने सम्मानित किया है। तो ये एक अच्छा कार्य सभी ने किया है, और हम मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं इन्होंने मेहनत करके एक अच्छा सफल कार्यक्रम बनाया, और मुझे आपसे भी प्रेस से भी को भी धन्यवाद देना है कि आप लोग ने भी आके इसको कवरेज किया। इससे ज़रूर हमारे रेल कर्मियों को का मनोबल भी बढ़ेगा। धन्यवाद।
शासन ने हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किया है, जिसको जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनहित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा बदलाव हुआ है। हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किया है, क्योंकि हैसियत प्रमाण पत्र विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जाता है, उसकी अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, हाँ, शासन द्वारा जनहित को नज़र रखते हुए बहुत बड़ा बदलाव किया है कि हैसियत प्रमाण पत्र जो लोग प्राप्त करते हैं, जिसको वे विभिन्न निविदाओं में और आदि में प्रयोग करते हैं, उसके लिए 2 साल की वैधता होती थी, अभी उसको बढ़ाकर 3 साल किया गया है और इसका 100% पालन इस जनपद में किया जाएगा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने इंटर कॉलेज के गणित विज्ञान अंग्रेजी के अध्यापकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज के अध्यापकों के साथ बैठक की है, जिसमें जिलाधिकारी ने 5 सदस्यीय टीम बनाई है, जो कि विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान रखेगी, वोकेशनल ट्रेनिंग, कंप्यूटर के बारे में छात्रों के चल रहे प्रशिक्षण पर ध्यान रखेगी। उन्होंने कहा, जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% पालन करवाया जाएगा और उनके द्वारा छात्रों को अच्छी गुणवत्ता देने की शिक्षा पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को विद्यालय में पढ़ाई करवाया जाएगा। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित इंटर कॉलेज के अध्यापक व अध्यापिका मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा, आप इस जनपद में कैसे कितने लोगों ने नई शिक्षा नीति की किसी भी कार्यशाला में प्रतिभाग किया या उसका डॉक्यूमेंट पढ़ा? पढ़ा है, कोई कार्यशाला भी नहीं हुई क्या? गणित के संबंध में जो उनकी दक्षताएं हैं एनसीईआरटी के अथवा एससीईआरटी के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं आपने देखा है? गणित मंजिल क्या है नहीं पता है? क्या होना चाहिए एक कक्षा 9 के बच्चे को या 10 के बच्चे को? तय करेगी उतना वो हासिल करना, ये हमारा लक्ष्य होगा। हमारा लक्ष्य ये तो नहीं है ना कि वहाँ टॉयलेट बना दें, वो सब एक जरिया है। अंत में परिणाम क्या है? बच्चों को शिक्षित करना, लर्निंग आउटकम प्राप्त हो जाए, है ना। और मान लीजिए वो कोई हम लोग उसका टेस्ट कराएं, परीक्षा कराएं, तो वो उसमें उत्तीर्ण हो, वो रट्टा मार के नहीं, कॉन्सेप्ट समझ के। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लर्निंग बाय डूइंग, नई शिक्षा नीति वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करती है, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन से फोकस करती है, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करती है, सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम के लिए फोकस करते हैं, नियमित असेसमेंट, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये सारे बहुत सारे घटक है उसमें। कृपया करके उसको पढ़ लीजिए एक बार, सभी लोग आपको पढ़ना है, टीचर नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा बताइए मुझे। जिलाधिकारी महोदय ने आज हमारे जो राजकीय विद्यालय हैं और एडेड विद्यालय हमारे हैं, उनमें एक टीम बनाई है जो गुणवत्ता पे ध्यान रखेगी, वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में और उसके बाद में उनके कंप्यूटर के बारे में और चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार से जो बच्चों में अच्छी गुणवत्ता है पढ़ाई के संबंध में, उसमें डिस्कस किया गया और जो उन्होंने मार्गदर्शन दिए हमको, तो उसके अनुसार हम लोग सब लोग मिलकर शिक्षा विभाग की जो माध्यमिक शिक्षा विभाग हैं सब मिलकर उसका प्रयास करेंगे और जो जिलाधिकारी महोदय ने हमको निर्देश दिए हैं कि अच्छी गुणवत्ता देना बच्चों को वो दी जाएगी। सर, नई शिक्षा नीति में भी चर्चा हुई? हाँ, नई शिक्षा नीति में जो भी है लर्निंग आउटकम के बारे में उसके जो भी पॉइंट हैं उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को लर्निंग आउटकम प्राप्त करेंगे, उससे आगे हम चलेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा सामाजिक न्याय पखवाड़ा पोषण अभियान के अंतर्गत जटाशंकर स्थित प्राथमिक विद्यालय पर गर्भवती महिलाओं को गर्भ में पलने वाले शिशु के पालन पोषण के तरीके बताए गए और देश के भविष्य को रोशन करने वालों को पोषण आहार दिया गया तथा आंगनबाड़ी के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म किया गया। जिसके संबंध में भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने
करने पर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार और फल वितरण करके सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पहले गर्भवती महिलाओं को सही तरह से पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से एक योजना के तहत महिलाएं, युवतियां और गर्भ में पल रहे बच्चे सभी स्वस्थ रहें, इसके मद्देनजर यह योजना चलाई गई है। इस अवसर पर क्षेत्रीय महामंत्री निहारिका त्रिपाठी, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी रंजना गुप्ता, ममता जायसवाल, रीना गुप्ता, वंदना गुप्ता, चित्रा देवी, मधु सोनकर सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा की महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता ने कहा, और मुख्यमंत्री योगी जी से आप ही लोग वोट दे के दिलवाइए ना, महाराज जी को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, हमारी बहनें ही वोट दी हैं। गुप्ता, बीजेपी महिला मोर्चा। हमारे परम पूज्य महाराज जी दोबारा प्रचंड मतों से जीत करके, ये हमारे महिलाओं और बहनों का ही देन है कि हमारे परम पूज्य महाराज जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। मैं उन्हीं उद्देश्य को लेकर के अपने बहनों के बीच में आई हुई हूँ आंगनबाड़ी सेंटर पे। यहाँ पे जो हमारी टीचर बहनें हैं, सहायिका बहनें हैं, उनको हम बीजेपी का पटका उड़ा करके, पौष्टिक आहार देकर, फल दे करके उनको सम्मानित किए हैं। और जो हमारी गर्भवती और धात्री बहनें हैं उन सबको भी चुनरी उड़ा करके और फल और नारियल दे करके इनका सम्मान और इनके गर्भ में पल रहे बच्चे के भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बधाई भी दिए हैं। उद्देश्य यही है कि जब भी हमारे गर्भवती बहनों के पेट में बच्चे जब पलते थे तो उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, लेकिन आज हमारी सरकार, विशेषकर जब से परम पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और केंद्र में हमारे आदरणीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, तब से उन्होंने विशेषकर प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटरों को उन्होंने एक योजना, एक मुहिम के तहत कि हमारी बहनें भी स्वस्थ रहें, बच्चियाँ भी स्वस्थ रहें और उनके गर्भ में पल रहा बच्चा भी कुपोषण से रहित रह करके वो स्वस्थ बच्चा पैदा हो, क्योंकि स्वस्थ बच्चे ही हमारे क्या नाम से भारत के भविष्य हैं। तो ये सोच करके हम लोगों ने भी ये योजना के तहत ये कार्यक्रम बहनों को बधाई दे रहे हैं और शुभकामना देने हैं। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 3 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में कराया भर्ती। मंदिर में गिरफ्तारी के समय मुर्तजा का हाथ हुआ था फ्रैक्चर, दर्द होने पर पुलिस ने जेल से अस्पताल में करवाया भर्ती, फ्रैक्चर हाथ का होगा ऑपरेशन।
जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक, भू माफियाओं, खनन व शराब माफियाओं के ऊपर कड़ी कार्यवाही करने के लिए दिए निर्देश। गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा में एक दुकान के एसी के आउटर यूनिट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पूरे बलदेव प्लाजा में धुआं भर जाने से अफरा तफरी का हुआ माहौल, आग पर पाया गया काबू। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा, नहीं हुआ कोई जान माल का नुकसान। विधानसभा चुनाव व एमएलसी चुनाव में थानों और शस्त्र के दुकानों पर जमा शस्त्रों को अवमुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने दिया निर्देश, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। जगन्नाथपुर स्थित दुर्गा मंदिर पार्क में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल, कहा अधिकतर मामले विद्युत, सड़क निर्माण, साफ सफाई से आए, संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया है निर्देश। सड़सठवें रेल सप्ताह समारोह के अवसर पर आयोजित हुआ रेल सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने कहा, समर्पित एवं निष्ठावान रेल कर्मियों को पुरस्कृत कर किया गया सम्मानित। शासन ने हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता 2 वर्ष से बढ़ाकर किया 3 वर्ष, जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से किया लागू, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिले के इंटर कॉलेज के गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के अध्यापकों के साथ की बैठक, विद्यालय की शिक्षा गुणवत्ता पर निगरानी करने के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय टीम, कहा विद्यालय की पढ़ाई की जांच करेगी टीम, लापरवाही बरतने वाले अध्यापकों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। और सामाजिक न्याय पखवाड़ा पोषण अभियान के अंतर्गत भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार और फल वितरण करके किया सम्मानित, ताकि महिलाएं, युवतियां और गर्भ में पल रहे बच्चे सभी रहें स्वस्थ। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।